Yes, students, in the last lecture I have discussed with you up to participation of non cooperation movement and khilafat. Clear? Now 1922 incident, due to incident of chori chora, Mahatma Gandhi ji called back non cooperation movement because movement turned violent, because in this angered group of people, angered mob, they attacked on a police station and 22 police officers were burnt alive. And due to this, Mahatma Gandhi, he became angry, and that's why he called off, या फिर हम कह सकते हैं withdrew this movement. ठीक है? Then after that, new developments after 1922, RSS, CPI and Swaraj Party. ये parties बनी. यानी कि अभी तक इंडिया में कुछ parties थी, political parties. Number one, INC थी. इसके अलावा और भी छोटी छोटी पार्टी थी, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, मुस्लिम लीग, उसके बाद सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन इसके अलावा और कौन सी पार्टी थी? यस, ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. ठीक है? और फिर टाइम पीरियड आया 1927, साइमन कमीशन बना लंदन में, लेकिन आया 1928 में, एंड इन दिस नो इंडियन मेंबर वाज देयर, एंड दैट्स व्हाई पीपल दे वांटेड टू अपोज दिस, एंड साइमन कमीशन वेंट बैक विदाउट एनी डिसीजन और विदाउट एनी रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है? इसके बाद साइमन कमीशन के बाद 1928 के बाद लॉर्ड इरविन ही गेव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, बट एट दैट टाइम मैनी इंडियंस दे अपोज दिस डोमिनियन स्टेटस. अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि इंडिया में लोकल लेवल के ऊपर लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने, वोटिंग और पार्टीज बनाने का राइट दे दिया जाएगा, लेकिन दे नीडेड अप्रूवल फ्रॉम ब्रिटिशर्स एवरी टाइम. यानी कि हर टाइम उनको सर झुकाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रहना पड़ेगा. लेकिन उस टाइम पीरियड में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. और INC और बहुत सी ऐसी पार्टीज, उन्होंने डिमांड किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आजादी. ठीक है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज. उसके लिए उन्होंने क्या किया, अक्टूबर में उन्होंने ऑफर दिया था डोमिनियन स्टेटस का, अक्टूबर 1929. तो इन्होंने क्या किया, दिसंबर में लाहौर सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन दिसंबर 1929 में प्रपोजल पास किया गया कि अगले मंथ, अगला मंथ मतलब दिसंबर के बाद 26 जनवरी 1930 विल बी ऑब्जर्व बाय ऑल द इंडियंस एज इंडिपेंडेंस डे. ठीक है? इसका मतलब है, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स हमें आजादी दें या ना दें, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं. 26 जनवरी 1930 विल बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे, हम इसको आजादी दिवस मनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ये उनका नारा था. और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, पीपल दे अर्ज रिक्वेस्टेड पीपल टू कम नियर द रिवर, रावी रिवर बैंक्स, रावी रिवर के बैंक्स के पास, किनारों के पास, they took water in their hands, took pledge that we will keep on you can say struggling till we got independence, complete independence. Aur uske liye fir unhone kya kiya, they also hoisted tricolor flag, first time British rule ke under kisi political party ne apna tricolor hoist kiya flag. ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, उनके ये एक्ट, यानी कि दिसंबर लाहौर का जो कांग्रेस सेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. और इसके बाद ये एक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी था जब पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है बिजनेस लॉस. ठीक है? और अब ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 1929 का ईयर, या फिर उसके बाद 1930 की जर्नी. मीन्स अब हमारा टाइम पीरियड जो टॉपिक है ये सारा होगा आफ्टर 1929. ठीक है? इसमें इवेंट्स जो मेन आपने क्या बतानी है, एक तो आपने बताना है एग्रीकल्चर डिप्रेशन
डिप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा फेस बिजनेस का फेस जिसमें हर तरफ से, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको लॉस जो है वो फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिप्रेशन यानी कि द बिजनेसमैन या फार्मर्स दे वर फेसिंग लॉस, और रीजन क्या था, डिक्रीज या डेक्लाइन इन फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस, क्रॉप्स, क्रॉप्स का रेट जो था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्रॉप्स का जो रेट था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम मतलब इसका मतलब क्या है कि वीट है या राइस है या पल्सेस हैं, इनका रेट कम हो गया। रेट कम इसलिए हुआ क्योंकि कंट्रीज इस टाइम पीरियड में एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सभी कंट्रीज ने काफी हद तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, और यही रीजन था कि इंडिया के फार्मर्स यानी कि जो इंडिया के फार्मर्स थे उनको अपनी क्रॉप्स के लिए प्रॉपर रेट्स या जिसे हम कहते हैं प्राइजेस नहीं मिल रहे, और अगर प्राइजेस नहीं मिलेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू पे टैक्स। ठीक है, लॉस क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू पे रेवेन्यू या लगान। ठीक है, आपने लगान मूवी देखी होगी, उसमें भी क्या होती है, जस्ट वो तो वैसे भी दिखाया गया कि कंडीशन दिखाई है कि अगर क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ क्रिकेट प्ले करेंगे तो अगर वो जीत जाएंगे उनका रेवेन्यू माफ हो जाएगा, है ना, रिमिटेंस हो जाएगा। तो अब ये एग्रीकल्चर डिप्रेशन का जो इफेक्ट था, दैट कैन बी सीन इन इंडिया ऑल्सो, मैनी इंडियन फार्मर्स दे फेस लॉस इन इंडिया, उनको इंडिया में लॉस फेस करना पड़ा। ठीक है, दैट्स वाई दे रेजिस्टेड और दे वॉन्टेड टू रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू नहीं देना चाहते क्योंकि उनके पास मनी नहीं थी, और जो रिच लैंडलॉर्ड थे वो भी अपना जो है वो हाई रेवेन्यू माफ करवाना चाहते थे, और जो पुअर पीजेंट्स थे वो अपना जो भी उनका रेवेन्यू था वो नो रेंट कैंपेन का मतलब है कि वो रेंट नहीं देना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये हर एक तरह से अलग अलग लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इन्हीं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, एक ऐसा टाइम आया जब टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। गवर्नमेंट को तो मनी चाहिए थी क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे नीडेड मनी, और उसलिए उन्होंने क्या किया, टैक्स जो है वो अलग अलग गुड्स पे लगा दिया। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो किनको पड़ा, पुअर पीपल, क्योंकि पुअर पीपल जो है वो हमेशा जो है वो सफर करते हैं। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट करना है 1929 के बाद, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्लियर। तो इसकी स्टार्टिंग, सबसे पहले तो अगर इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया 1930, यानी कि इम्पोर्टेंट ईयर था 1930, ही रोट अ लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखी, किसको लिखी, उस टाइम पीरियड के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन, ही रोट अ लेटर स्टेटिंग द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इंडियंस इन इंडिया, जिसमें उन्होंने अलग अलग डिमांड्स जो है वो अपनी डिमांड्स हैं। ये कुछ डिमांड जो थी वो दो तरह की थी, कुछ डिमांड थी जर्नल, कुछ थी स्पेसिफिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी दैट वॉज रिगार्डिंग सॉल्ट टैक्स क्या था, नंबर वन, एक तो याद रखो कि उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में मोनोपोली किसकी थी, ब्रिटिशर्स की, मोनोपोली मतलब होता है सिंगल ट्रेडर, तो हमारी कंट्री में सॉल्ट बनाने का जो मेन राइट टू ट्रेड था दैट लाइज विद इन ब्रिटिशर्स, नो इंडियन कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट, कोई भी इंडियन सॉल्ट नहीं बना सकता था। नंबर टू, सॉल्ट टैक्स वॉज हाई टैक्स ऑन सॉल्ट, तो सॉल्ट तो एक ऐसी नेसेसिटी गुड है दैट शुड बी गिवन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ रिच एंड पुअर, और इसके ऊपर टैक्स क्यों। तो महात्मा गांधी जी ने ये डिमांड रखी दैट टू एबॉलिश का मतलब क्या होता है, टैक्स को क्या कर दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ये डिमांड थी स्पेसिफिक डिमांड का मतलब तो स्पेशल डिमांड जो दोनों के लिए, यानी कि रिच एंड एज वेल एज पुअर। ठीक है, अब लॉर्ड इरविन ने क्या किया, महात्मा गांधी जी के इन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर महात्मा गांधी जी ने उनको डिक्लेयर किया दैट इफ देयर डिमांड्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड
then they will start salt satyagraha. Salt march भी कहते हैं, march pass किया उन्होंने, पैदल यात्रा की, salt march भी कहते हैं, salt satyagraha भी कहते हैं. Started his journey, उन्होंने अपनी जो journey है वो start की. अब हमने salt march की event बतानी है, क्या हुआ था इसमें. Salt march, पैदल यात्रा किसके लिए, salt tax को हटाने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी का आश्रम कहाँ पर था, साबरमती आश्रम, कहाँ पे है, गुजरात, साबरमती रिवर के पास है, इसलिए इसको कहा जाता है साबरमती आश्रम. तो ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी कोस्ट. साबरमती आश्रम टू दांडी, इसीलिए इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है. दांडी मार्च, दांडी क्या था, कोस्टल विलेज, समुन्द्र के पास एक एरिया था, ठीक है, उसको बोलते हैं दांडी. तो साबरमती से स्टार्ट किया दांडी, इसलिए इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, ठीक है. देन जब उन्होंने अपनी डिमांड्स, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की, तो उन्होंने क्या कहा, सत्याग्रह. और सत्याग्रह के लिए उन्होंने कहा, जो सीडीएम का मतलब, यहाँ पे पिछली जो मूवमेंट थी वो थी नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है. सिविल का मतलब होता है सिटीजन्स, डी मीन्स डिसओबे, यानी कि सिटीजन्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को डिसओबे करेंगे. डिसओबे का मतलब उनके जो भी वो उनके ऑर्डर्स हैं उनको ना मानो, ठीक है. तो इसमें इन्होंने क्या कहा, सेवन स्टार्टिंग में जब वो आश्रम से निकले उनके साथ वॉलंटियर्स कितने थे, 78 फॉलोअर्स ओरिजिनल. लेकिन रास्ते में उनको बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, और जैसे हम कहते हैं कि लोग उनको ज्वाइन करते रहे. और टोटल एरिया कितना था वो वेन याद रखो, 240 माइल्स टोटल एरिया था. और साबरमती से दांडी जाने के लिए टोटल 240 माइल्स एरिया कवर करना होता था. तो हर रोज वो कितना एरिया कवर करते थे, 10 माइल्स एरिया रोज कवर करते थे, ठीक है. और कितने दिन लगे उनको यहां से यहां जाने में, 24 डेज. क्लियर. व्हेन ही रीच दांडी व्हाट ही डिड, बॉयल द सी वाटर, पानी को गर्म किया, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, सॉल्ट बनाया, एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ. और उन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ जो था, यानी कि कोई इंडिया नहीं बना सकता, उन्होंने ये ऑर्डर जो है उसको डिसओबे किया. एंड विद दिस मैनी इंडियंस, यानी कि जो महात्मा गांधी जी के साथ थे, दे आल्सो डिड द सेम, उन्होंने भी वही किया. और कुछ को तो अरेस्ट किया गया, कुछ को पनिश किया गया, और इस तरह से दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह और डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑल ओवर द कंट्री. और लोगों ने इस मूवमेंट में भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया. सेम जो आपने नॉन कोऑपरेशन में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, लाइक नंबर वन, पीपल दे अपोज फॉरेन गुड्स, फॉरेन आइटम्स. नंबर टू, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ. नंबर थ्री, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड. नंबर फोर, रैलीज ऑल ओवर द इंडिया इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर ऑर्गेनाइज ऑन लार्ज स्केल. मैनी पीपल पार्टिसिपेटेड, मैनी गॉट अरेस्टेड ऑल्सो, मैनी वर इम्प्रिजन्ड, मैनी सेंट टू जेल. वीमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड ऑन लार्ज स्केल, मैनी वीमेन दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट. लोग दूर दूर से वहां पे आते थे, सॉल्ट बनाते थे, और पुलिस उनको अरेस्ट करती थी. और ये मूवमेंट 1930 ऑनवर्ड्स जो है वो कंटिन्यू रही, ठीक है. और इसमें अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट किए, ठीक है. और उसके बाद यानी कि पूरा ईयर जो है ये 1930 जो है पूरा ईयर ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट रही. इस मूवमेंट में अलग अलग लोगों की पार्टिसिपेशन, जैसे आपने किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पार्टिसिपेशन, इसी तरह से इस मूवमेंट में भी अलग अलग लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो अलग अलग तरीके से, ठीक है. लेकिन अब जब लोगों को लगातार जेलों में डाला गया, जेल भरो आंदोलन, जेलें जो है वो भर गई, लोगों को टॉर्चर किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, तब लोग महात्मा गांधी जी के पास आए और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताई. तब महात्मा गांधी जी और ब्रिटिशर्स के बीच में एक, या इरविन के बीच में, ठीक है, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट. PACT means एग्रीमेंट, पैक्ट means एग्रीमेंट. ऑन विच डेट, पूरा
1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली, अगले मंथ जनवरी फरवरी मार्च, अभी आप यहाँ पे आ जाओगे मार्च, 5th मार्च 1931 व्हेन दिस पैक्ट वाज साइंड इरविन और गांधी जी के बीच में। अगर इरविन पहले ही डिमांड एक्सेप्ट कर लेते तो शायद ये मूवमेंट ना चलती, लेकिन अब इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता, समझौता का मतलब होता है पैक्ट, एग्रीमेंट साइन किया गया 5th मार्च 1931। इसमें क्या कहा गया कि गांधी जी अपनी मूवमेंट को वापस लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको जेलों में डाला गया है टू गेट देम फ्री, उनको फ्री कर दिया जाए, ठीक है, और बदले में लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी की कुछ डिमांड्स जो हैं उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन इस कंडीशन में कि उनको इंडिया में नहीं बल्कि लंदन जाना पड़ेगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन, क्लियर, सेम व्हाट वाज इरविन पैक्ट, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट दैट एग्रीमेंट इन विच महात्मा गांधी ही एग्रीड टू कॉल बैक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सिविल डिसोबीडियंस को वापस ले लेंगे, लेकिन किस कंडीशन के ऊपर, कि जितने भी प्रिजनर जिनको एक साल में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण पुलिस ने जेलों में डाला था, जिनको टॉर्चर किया जाता था, जिनको मारा जाता था, जिनकी फैमिलीज को हरास किया जाता था, इनोसेंट पीपल जो थे फार्मर्स उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो ऑल शुड बी फ्री, उनको फ्री कर दिया जाए, ठीक है, बदले में इरविन ने कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ में ये कंडीशन रखी कि ये तभी होगा जब महात्मा गांधी जो है वो कहाँ पे जाएंगे, उनको लंदन जाना पड़ेगा, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्वीन और कुछ वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उनकी क्या होगी कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडिया, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी डिमांड्स वहां पर जाके एक्सप्रेस करेंगे। देन इस तरह से महात्मा गांधी जी ने क्या किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया एंड ही वेंट टू लंदन, वो लंदन चले गए, ठीक है। लेकिन आपको पता है वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी के सामने जो कंडीशंस रखी गई, ठीक है, दीज कंडीशंस वर नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम, सो बिना किसी डिसीजन के या बिना किसी मेजर पॉलिसीज के ही केम बैक, वो वापस आ गए, लेकिन जब वापस आए तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे जितने भी सत्याग्रही थे या जो मूवमेंट्स वगैरह को प्रॉपरली कर्व कर चुके, और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने आकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी इसको फिर से रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है कि फिर से इसको स्टार्ट जो है रीलॉन्च किया, कौन से ईयर में, 1932। लेकिन इस मूवमेंट को तब जो है वो इतनी पार्टिसिपेशन नहीं मिली, मैंने आपको पहले बताया कि लोग मूवमेंट से फेडअप हो चुके थे, स्टार्टिंग में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कितने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने फिर इसको रीलॉन्च किया तब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और कुछ देर तक ये मूवमेंट फिर चली। 1934 में इसको फिर से क्या किया गया, वापिस लिया गया, कॉल्ड बैक, क्लियर। तो ये है सारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, सबसे पहले आपको जो स्टोरी पता होनी चाहिए। सेम अब जैसे हमने किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स, इसके बाद अब हम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उनके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से ग्रुप्स थे और उनकी क्या डिमांड्स थी और उनके क्या अपने मोटिव्स थे, ठीक है। तो अब जब भी आप करते हो ना पार्टिसिपेशन का क्वेश्चन, एक तरफ आप लिखते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ग्रुप और दूसरी तरफ करो सीडीएम, तभी आपको ये याद होना, अदरवाइज ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। नॉन कॉपरेशन में आपको याद होगा आपने लिखा था अवध के बारे में, ठीक है, सेकंड आपने किया था अलूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं गुडैम हिल्स आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स असम, सॉरी प्लांटेशन वर्कर्स, और इसके अलावा आपने किया था टाउन पार्टिसिपेशन, सो
सिटी पीपल एंड विलेज एरियाज कंट्री साइड. ठीक है, अब इसमें हमने ये था टाइम पीरियड 1921. ठीक है, ये है टाइम पीरियड 1930. इसमें साथ में खिलाफत इशू भी था, मुस्लिम्स फॉट टुगेदर. लेकिन इसमें आप डिफरेंस देखेंगे हम कि 1921 से लेकर 1930 तक आते आते हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में काफी हद तक जो है वो डिफरेंसेस आ चुके थे, जिसके कारण लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा पार्टिसिपेट उतना नहीं किया जितना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किया था. ठीक है, तो साथ साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी आपको आ सकता है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों. ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया सॉल्ट सत्याग्रह सारा, उसके बाद अब इसके पार्टिसिपेशन के ग्रुप्स. अगर तो ये है नॉन कोऑपरेशन है तो आपने ऐसे हेडिंग्स के अकॉर्डिंग बताना है. अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब लोग तो सेम ही रहेंगे ना, वो चेंज थोड़ी होंगे, लेकिन इसको लर्न करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स, वो सेम पीजेंट्स की पार्टिसिपेशन सेम ही रहेगी, लेकिन कुछ आपने थोड़ा बहुत डिफरेंट बताना है. तो हेडिंग्स, तभी मैं कह रही हूँ कि दोनों ही मूवमेंट्स के हेडिंग जो है या मैटर जो है वो आपका मिक्स ना हो जाए, इसलिए इसको अलग अलग आपने लर्न करना. ठीक है, पार्टिसिपेशन बाय फार्मर्स कह लो या पीजेंट्स कह लो. पीजेंट्स में भी दो तरह के, एक थे रिच फार्मर्स, एक थे पुअर फार्मर्स. इनके अपने अपने मोटिव्स. ठीक है, फर्स्ट हेडिंग आपका ये बनेगा पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स, पार्टिसिपेशन बाय रिच पीजेंट्स, पार्टिसिपेशन बाय पुअर पीजेंट्स. रिच पीजेंट्स की बात करें तो मेन आपने बताना है इसमें राजस्थान और यूपी, मतलब कुछ स्टेट्स थी उत्तर प्रदेश, जिसके उत्तर प्रदेश में जैसे जाट जो मतलब होते हैं और पट्टीदार कहते हैं उनको. पट्टी मतलब पट्टियां होती हैं उनकी, लैंड की अलग अलग स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टीदार बोलते हैं, जैसे जमींदार वैसे ही पट्टीदार. ठीक है, तो इनकी पार्टिसिपेशन बतानी है कि रिच पीजेंट्स जो थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया, बिकॉज ड्यूरिंग, ये सेम वही बताओगे आप, बिकॉज दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डिप्रेशन. डिप्रेशन की प्रॉब्लम बता दोगे कि 1929 से ही उनको एग्रेरियन डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी. उनके जो रिच पीजेंट्स थे उनकी क्रॉप्स के रेट जो उनको नहीं मिल रहे थे प्रॉपर, उनको लॉस फेस करना पड़ रहा था. अगर इनको लॉस होगा तो इनका जो रेवेन्यू है उसका वो कैसे पे करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं कम करती थी. लॉस अगर आपको हो रहा है तो उसका जो है वो आपको ही फिल करना पड़ेगा. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस नहीं किया. ठीक है, और इसीलिए इनकी जो मेन प्रॉब्लम क्या थी, हाई रेवेन्यू. सिंपल आप ये बताओ कि जो रिच पीजेंट थे जो डिप्रेशन, एग्रेरियन डिप्रेशन के कारण दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर इनकम, लेकिन इनकम कम थी लेकिन टैक्स उतना ही था. क्योंकि इनको जो जमींदार होते हैं ना, रिच पीजेंट्स कह लो या जमींदार होते हैं जो पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अवध के किसानों के ऊपर जो कंट्रोल करते थे, ठीक है, ये वो पीजेंट्स, ऐसे ही पीजेंट्स की स्टोरी है. इनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इनके पास रेवेन्यू देने के लिए मनी नहीं थी और कम का मतलब होता उतनी इनकम नहीं थी. तो इन्होंने सोचा कि अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद हमारे जो रेवेन्यूज हैं उनको कम कर दिया जाए. मतलब इनकी डिमांड क्या थी कि जो हाई रेवेन्यू है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू लो, या रेवेन्यू जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए. टू रिड्यूस इनकी डिमांड ये थी. इस डिमांड के, अब इनकी डिमांड याद रखो कि उन्होंने क्यों क्यों पार्टिसिपेट किया. ये दे डिमांडेड दैट देयर हाई रेवेन्यू शुड बी रिड्यूस, कम कर दिया जाए. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्पेशली आपने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये वाले जो पीजेंट्स बताने हैं. ठीक है, पट्टीदार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट मोटिव था. दे पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज देयर मेन प्रॉब्लम वॉज हाई रेवेन्यू, दे वॉन्टेड टू रिड्यूस. लेकिन दूसरी तरफ कौन थे, पुअर पीजेंट्स, लैंडलेस, पुअर फार्मर्स,
टेनेंट्स जो रेंट पे एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, या जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी या पुअर फार्मर्स थे, उनको भी रेवेन्यू पे करना पड़ता था, उनको भी रेंट देना पड़ता था, उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता था, रेंट। अब इन्होंने क्या कहा, पुअर फार्मर्स ने क्या डिमांड रखी कि इनका ये रेंट रिड्यूस नहीं करना चाहते थे, ये कहते थे कि हमने रेंट ही नहीं देना। इन्होंने इसलिए क्या स्टार्ट किया, नो रेंट कैंपेन, नो रेंट कैंपेन। नो रेंट कैंपेन का मतलब नॉट टू पे रेंट। उन्होंने कहा कि हम रिड्यूस कर दो, हम रिड्यूस कर देंगे, हम पे कर देंगे। इन्होंने कहा नो रेंट एट ऑल। अब यहाँ पे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसको सपोर्ट किया, इनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी डिमांड है नो रेंट, यानी कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि नो रेंट कैंपेन रिड्यूस होगी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दोनों ही तरफ से फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इन्होंने इसलिए किया कि वो अपना हाई रेवेन्यू को रिड्यूस करना चाहते थे। इन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो रेंट को माफ नहीं बल्कि खत्म करना चाहते थे कि हम रेंट ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी दोनों में से किसको सपोर्ट करती थी, रिच पीजेंट्स की डिमांड्स को। तो इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी और पुअर फार्मर्स के बीच में जो गैप था, ठीक है, वो इवन अवध, जब आपने देखा था अवध किसान सभा के टाइम में भी था, और क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने रिच लैंडलॉर्ड्स के ऊपर अटैक किया था। यहाँ पे क्या था कि वो रेंट नहीं देना चाहते, रिमिटेड का मतलब माफ नहीं और खत्म कर देना, मतलब जितना रेंट हमारा इतना बनता है हम देंगे ही नहीं। तो इनके लिए CDM का ये मतलब था कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि हमारा रेंट जो है वो माफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, हम रेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो थी फर्स्ट पार्टिसिपेशन बाय द पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट्स पार्टिसिपेशन में आपने दो तरह का बताना है, पार्टिसिपेशन बाय रिच पीजेंट्स, पार्टिसिपेशन बाय पुअर फार्मर्स। क्या उनकी डिमांड थी और प्रॉब्लम क्या थी, किस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे थे, 1929 की जो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो इसी में आप और क्या बता सकते हो पार्टिसिपेशन में, आपने ये बताना है कि इंडियन मर्चेंट्स, यानी कि जो सेकेंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। पार्टिसिपेशन बाय इंडियन मर्चेंट्स, बिजनेसमैन भी कह सकते हो, मर्चेंट्स बिजनेसमैन की डिमांड क्या थी, दे वांटेड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन गुड्स। इंडियन, हम बात कर रहे हैं इंडियन मर्चेंट्स की, ठीक है। इंडियन मर्चेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जब ब्रिटेन से आने वाली चीजें इंडिया में शॉर्टेज हो गई थी, तो ऐसे टाइम पीरियड में इंडियन मर्चेंट्स, इंडियंस ने इंडस्ट्रीज ओपन की और यहाँ पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो इंडियन गुड्स को खरीदें, फॉरेन गुड्स को ना खरीदें। हमारे इंडिया में फॉरेन जो क्लोथ्स हैं या फॉरेन गुड्स हैं उनका आना बंद हो जाए, तो दैट्स व्हाई दे वांटेड सेफ्टी प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड। और ये इनकी मेन जो है वो डिमांड थी कि इंडियन मर्चेंट जो थे वो चाहते थे कि उनका बिजनेस फ्लरिश करे इंडिया में और फॉरेन गुड्स के साथ उनको कॉम्पिटिशन फेस ना करना पड़े, ठीक है। और इसीलिए ये इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके, ये जिसे हम कहते हैं कि फंड्स देना, फंड्स का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट्स के लिए कई बार मनी की जरूरत पड़ती है, तो दीज बिजनेसमैन दे प्रोवाइड फंड। फंड का मतलब होता है काइंड ऑफ हेल्प, मनी मूवमेंट्स में या लीडर्स को या पार्टी को किसी भी तरह से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी ये प्रोवाइड करते थे। इनका CDM में पार्टिसिपेट करने का मोटिव क्या था कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करें। कौन सी डिमांड्स, कि इंडियंस जो हैं, इंडियन मर्चेंट्स जो हैं उनको इंडिया में सेफ्टी दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए उनकी ट्रेड की, उनको फॉरेन से आने वाली क्लोथ जो हैं या गुड्स हैं उनके साथ कंपटीशन फेस ना करना पड़े। वो तभी होगा जब फॉरेन से आने वाली चीज़ों के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी,
ठीक है, अगर फॉरेन से आने वाली चीजों के ऊपर कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगी, कॉस्टली, और इंडियन गुड्स जो हैं वो चीप होंगी, तो इंडियंस ऑटोमेटिकली विल बाय इंडियन गुड्स. ठीक है, तो ये इनकी ये डिमांड्स थी. सो दैट्स व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इनका पार्टिसिपेशन जो था, यानी कि जो इनकी मेन मोटिव था, ये वाला मोटिव था. ठीक है, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो पहले से ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स. चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि पहले पहले ना सिर्फ हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता था, उसमें इंडियन इंडस्ट्रीज या इंडियन बिजनेसमैन को किसी भी तरह से मेंबरशिप नहीं मिलती थी. तो एट दैट टाइम दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, तो इंडियन बिजनेसमैन ने क्या किया, अपनी एक अलग से ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई. ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्या बोलते हैं, IICC. आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है. IICC, इसकी फुल फॉर्म आप लिखोगे इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, IICC. ये 1920 में बनी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुई थी, तो उस टाइम पीरियड में इन बिजनेसमैन ने अपनी अलग से चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको अपने साथ किसी भी तरह से जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए इंक्लूड नहीं करते थे. ठीक है, इसके बाद एक और आपने याद रखनी है, फिक्की, FICCI. वन इज IICC, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920. सेकंड आपने याद रखनी है फिक्की, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927. तो इनके जो जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, इन सभी मेंबर्स जो थे उन्होंने CDM में पार्टिसिपेट किया. बट लेटर ऑन व्हेन दे हर्ड द न्यूज दैट महात्मा गांधी ही कॉल्ड बैक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्हें वापस ले लिया, दे बिकेम अनहैप्पी. और नेक्स्ट टाइम फिर जब महात्मा गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी, तो दे डिडंट पार्टिसिपेट ऑन लास्ट डे, क्योंकि अब लोगों को लग रहा था कि मूवमेंट्स को बार बार स्टार्ट करना फिर बंद करना, ऐसे में उनका जो एक इंटरेस्ट होता है वो लॉस्ट हो गया. तो अभी तक मैंने आपको बताया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन हमने 2 की है. नंबर 1 हमने किया है गुजरात और उत्तर प्रदेश के जो रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया CDM को, क्योंकि वो हाई रेवेन्यूज को रिड्यूस करना चाहते थे. ठीक है, पुअर पीजेंट्स ने क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि वो नो रेंट कैंपेन चाहते थे, वो अपनी तरह अपना पूरा रेंट माफ करवाना चाहते थे. कांग्रेस ने इन दोनों में से किसको सपोर्ट किया, पुअर पीपल को नहीं किया बल्कि रिच पीजेंट्स को किया. इंडियन मर्चेंट्स की बात करें, GD बिरला, आजकल के टाइम में आप बिरला इंडस्ट्रीज जो है वो सुनते हो, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, ये उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियल हेल्प दी CDM में. लेकिन किस मोटिव क्या था उनका, बिकॉज दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन ट्रेड. डाउट इज क्लियर, एनी डाउट, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी,